आप सबको तुलसीदास जी के बारे में पता होगा, जिन्होंने रामचरितमानस पाठ की रचना की। पता है ये बचपन से उतने बुद्धिमान उतने ज्ञानी नहीं थे, बट एक चीज था उनमें, जो चीज करते थे उसके लिए जान लगाते थे, पूरे दिल से पूरे समर्पण के साथ करते थे। उनकी पत्नी थी रत्नावती, बहुत 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 सुंदर, अति सुंदर, और वो प्यार भी उससे बहुत ज्यादा करते थे। किसी कारणवश एक बार रत्नावती अपने मायके चली आती है उनको बिना बताए। जब वो आते हैं तो उन्हें पता चलता है उनकी पत्नी मायके चली गई। अब वो सावन का रात, इतना बिजली कड़क रहा था, इतना तूफान, इतना बारिश, है ना। जब वो नदी किनारे आए तो उसमें पूरा तूफान में था नदी, किसी को भी हर्ट अलाउ नहीं करता, बट वो छलांग लगा दिए, वो भी किस चीज के सहारे, एक लाश के सहारे। और जब वहां पहुंचे तो गेट तो बंद था, बट वो अंदर जाए तो जाए कैसे, तो एक पेड़ पे सर्प लटका हुआ था। उन्हें इतना वो बेचैन थे, उतने बेताब थे कि उन्हें ये भी नहीं शुद्ध था यार सांप है या क्या है, सीधे लटके और अंदर प्रवेश कर गए। जैसे रत्नावती देखी तो उन्होंने देखा यार ये तो सांप के माध्यम से अंदर प्रवेश किया, थोड़ा डर गई और गुस्सा भी आ गया, जो यार मैं हड्डी और मांस का बना हुआ शरीर से जब तुम इतना प्रेम करते हो, अगर इतना ही प्रेम भगवान श्री राम से किए होते तो अभी तक भगवान साक्षात दर्शन दे दिए होते। बस यही बात को गांठ बांधे और वहां से तुलसीदास लौट गए और उन्होंने प्रण कर लिया, जान लगा दिए और रामचरितमानस पाठ की रचना कर दिए। ये पूरा का पूरा मूवी, अभी जो साउथ का मूवी आया है प्रेमम, उससे रिलेट करता है, जिसमें देखे होंगे लड़की जब वो लड़का को छोड़ देती है तो लड़का खुद को प्रूफ करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है और एक दिन आता है जो पीक पे चला जाता है, है ना। तो इसलिए आप लोग भी जो चाहत हो, जो डिजायर हो, जो गोल हो, उसको पाने के लिए अपना जान लगा दो मेरे दोस्त। एक दिन आएगा जब आप पीक पे होंगे।